तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूं कि कटलरी क्रॉकरी का जो प्रोसेस है, कैसे क्लीन करते हैं हम लोग, कौन सा केमिकल यूज करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं उसके लिए, सारी डिटेल आपको मैं बताता हूं। ये बंदा भी नया है, इसको ट्रेनिंग देते हैं। तो कैसे हम लोग क्या क्या करते हैं, सब स्टार्टिंग से करते हैं। तो अभी जैसे ये आया, तो कैसे हम लोग क्लीन करेंगे इसको, कैसे कैसे क्लीन करेंगे। सबसे पहले जो भी इसमें लेफ्ट ओवर फूड है वो नीचे डालेंगे, यानी कि रिमूव करेंगे उससे। अब गिलास को ये पानी डाल रहा है, ओनली वार्म वाटर, थोड़ा वार्म वाटर है ये। उसके बाद में ये सोप लगाएगा, इसमें साबुन लगाएगा, और ये साबुन से सोप कर रहा है, पूरा क्लीन कर रहा है साबुन से। साबुन से क्लीन करने के बाद में ये दोबारा से पानी डालेंगे। नेक्स्ट ये भी जो प्लेट है वो भी क्लीन करके बताते हैं, बाद में इसको हम लोग डिशवाश में डाल देंगे। और रैक बने हुए हैं अलग अलग ग्लास के, वहां रख सकते हैं। ये प्लेट भी कैसे क्लीन करोगे इसको भी दिखाओ, क्या क्या प्रोसेस है प्लेट का। पहले जो भी लेफ्ट ओवर फूड है वो डस्टबिन में डालना है। डस्टबिन में डालने के बाद में सेम प्रोसेस, पानी से जो भी उस पर है वो रिमूव करना है। उसके बाद में सोप यूज करना है, और जो सोप है, जो साबुन है, उसके लिए अलग से डिस्पेंसर लगाया हुआ है यहाँ पे, सोलिटर करके। ये सोप है, साबुन है, उसका नाम सोलिटर है, वो हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद में हम लोग और भी जो कप वगैरह है सेम प्रोसेस करेंगे। ये दो रखे हुए हैं, एक तो आपका छोटे छोटे रामीकन बाउल वगैरह जो होते हैं उसके लिए है, एक जो है स्पून्स के लिए है। ये सोप है, नॉर्मल सोलिटर साबुन है। क्यों रखे हैं, इसका रीजन ये है कि जैसे कुछ भी उस पर रहता है जो लिक्विड होता है, जैसे ऑयल वगैरह खाने में जो होता है, तो इसमें केमिकल में डालने के बाद में रिमूव हो जाता है अच्छे से, इसलिए हम लोग इसमें लिक्विड में डाल कर रख सकते हैं इनको। अब ये डालने के बाद में मशीन में कैसे इसको डालते हैं हम लोग, मशीन में कैसे यूज करते हैं मशीन को। अब मुश्किल नहीं, चेंज करके देखो कौन से में डालते हैं। ये मशीन है, स्टीमर है, और स्टीमर का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो अबव 82 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर 82 डिग्री से नीचे है तो हम लोग ये स्टीम नहीं होगा। जो भी ऑयल्स ग्रीस वगैरह है गिलास में, जो भी है स्मेल वगैरह भी रह जाते कभी कभी, तो वो साफ नहीं होती है, वो स्मेल जाती नहीं है। तो अभी हम लोग इसको स्टीम करके दिखाते हैं। कितने मिनट स्टीम होगा करीब करीब, ये 1 मिनट। हाँ ओके, तो ग्लास ओनली 1 मिनट में स्टीम हो जाएंगे, और टेम्परेचर आपको बता दिया मैंने स्टीम का, अब 82 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए मिनिमम, ये उसका होना ही चाहिए 82। इससे कम होगा तो स्टीम अच्छे से नहीं बनेगी। प्लेट वगैरह कैसे डालते हैं वो भी दिखाओ। ये प्लेट वगैरह डालने के लिए है, ये सारा यहाँ पे डालते हैं हम लोग प्लेट वगैरह, दूसरा मशीन है, और ऑटोमेटिकली इसमें केमिकल जाता है। इस मशीन का जो ग्लास वाला है, ग्लास वेयर वाला, उसका केमिकल ये मशीन लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली यहाँ से कैच करता है, और इसका केमिकल अलग से लगा हुआ है, देख सकते हैं कैसे प्लेट स्टीम करते हैं। पूरा स्टीम प्रोसेस दिखाना है आपको, नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है। ये बंदा भी नया है इसलिए इसको थोड़ा बताया था अभी, और आप लोगों को भी बताने का सोच लिया मैंने। अब पूरा डाल देते हैं। ये कितने मिनट होता है, ये 2 मिनट, अच्छे से लगा नहीं है शायद। हाँ ये करीब 2 मिनट होगा, यहाँ पूरा इसका स्टीम पूरा डिस्प्ले वगैरह लगा हुआ है, 2 मिनट बाद निकलेगा ये। और केमिकल देख सकते हैं, ये इजीली ले रहा है, ऑटोमेटिकली ले रहा है केमिकल। केमिकल जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। ये दो केमिकल के रखे हुए हैं, और केमिकल के ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे, और इसमें से जो कचरा जो जाता है, जैसे हम लोग कोई भी कचरा यहाँ भी रह जाता है ऑयल वगैरह, वो ग्रीस टैप होते हैं हम लोगों के पास, ये ग्रीस टैप में सारा कचरा आ जाता है और वो ड्रेन में नहीं जाता है। उसका रीजन ये है ग्रीस टैप को रखने का, कि ये ड्रेनेज जो होते हैं ब्लॉकेज नहीं होते हैं, ब्लॉक नहीं होते हैं। अब ये शायद स्टीम हो चुका है ऑलरेडी, चेक करना स्टीम हुआ, अभी स्टीम नहीं हुआ इसका, ये ऑलरेडी फिनिश हो गया। स्टीम देख सकते हैं, स्टीम आ रहा है पूरा, और पूरा ग्लास वाइप करना है अभी, बस लास्ट स्टेप यही है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है।
केमिकल आजकल सारे मशीन ऑटोमेटिकली ले ही लेते हैं। तो ये है पूरा डिश वॉश एरिया, पोर्ट वॉश एरिया डिफरेंट है हम लोगों का, वो पीछे है। तो ये प्रोसेस होता है, नॉर्मल प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।